आए हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, मस्त सी एक ऐसी जगह मिली है फोटो के लिए, इसके लिए यहाँ पे रुका आपको दिखा दो। बारिश ऐसे आ गई तो मुझे फिर से एक मिनट बारिश आ गई। लो हो गया जो नहीं होना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडी जी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं फिर से जा रहा हूँ पुणे। कुछ भी हुआ, राइड का डेस्टिनेशन नहीं मिला दूसरा कोई, सीधा जाओ पुणे, यही मेरे आयुष्य में चल रहा है। और मैंने क्या क्या सामान पैक किया है एंड क्या मैं लेके जा रहा हूँ वो शॉर्ट में आपको पहले दिखा दूँ। तो इतना सामान अभी मैं लेके जाने वाला हूँ, ये है गोप्रो का बॉक्स, इसमें सारे एसेसरीज है लाइक बोल्ट नट एंड उसके बाद ये सब माउंट, ये सब जुगाड़, ये सब इसमें है, चेन ल्यूब, उसके बाद WD-40, GoPro का बैटरी और चार्जर, उसका केबल, तीन टाइप के सनग्लास लेके जाता हूँ मैं, फोटो के लिए दो और एक पावर के लिए, ताकि अगर मेरा चश्मा टूट जाए तो कम से कम मैं पावर का गॉगल लगा के गाड़ी चला सकूँ। इसमें सारे कपड़े हैं एंड ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये है परफ्यूम की बॉटल। सामने से भी व्यू दिखाना ज़रूरी है, तो ये आगे लगेगा हैंडल बार पे। इसमें है छोटा मोटा सामान जैसे कि पाउडर, कोम एंड वही डेली यूज का सामान एंड ये अपना हेलमेट। GoPro रेडी है, बस अभी निकलने का, ये सब सामान इसमें डालने का है। ज़्यादा सामान मैं आज कैरी नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी तीन चार दिन के कपड़े इसमें फिट हो गए। ये पैकिंग इज एन आर्ट सच्ची में। तो ये सारा सामान टॉप बॉक्स में डालना है और टॉप बॉक्स लोड करके निकलना है फटाफट। ऑलमोस्ट 7 से 8 महीनों के बाद जैकेट पहन रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा है गाइस। जो लास्ट ट्रिप मैंने इस जैकेट में कभी की थी मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन हाय 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 क्या गर्मी लग रही है भाई साहब, वन साइड गर्मी है। गाने लगाए जाए थोड़े यार, धूप क्यों नहीं जा रही है बारिश के सीजन में भी। कि मैंने आगे का जो टायर चेंज किया है उसकी वजह से अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जगा है। मैं कितने दिनों से इसके लिए जुगाड़ देख रहा था, यहाँ पे तार से बांध के रखता था इस डंडी को, लेकिन फाइनली एम पार्ट मेरे पास था पहले से, AK-9R जो कैमरा था मेरे पास उसके साथ आया था। सिर्फ मुझे ये जो डंडी के नीचे जो स्क्रू है उसके लिए नट वाला एक माउंट देखना था, तो वो कल मैं स्पेशली जाके CSMT से लेके आया था। और आज की जो ट्रिप रहने वाली है वो मैं एकदम आराम से करने वाला हूँ, कोई मुझे घाई नहीं है, कुछ नहीं, एकदम मस्त जाएंगे, वीडियोस बनाते जाएंगे। बहुत सही लग रहा है इतने दिनों के बाद जैकेट गेटअप सेटअप में आके, हाय हाय हाय। शिट, ए बंद नहीं होना है आज, बंद होना ही नहीं है। आज के राइड में मैंने 30 नंबर वाले दो फ्यूज कैरी किए हैं एक्स्ट्रा में, क्योंकि मुझे पता है मेरा नसीब कैसा है राइड के वक्त, और यही आशा करके मैं चला रहा हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए बाइक का या मेरा, अच्छे से राइड हो जाए बस, आराम आराम से हुई तो भी चलता है, कोई घाई नहीं है अपने को। लेकिन बंद नहीं पड़नी चाहिए गाड़ी किसी भी रीज़न से। मैं तो एक चीज़ भूल ही गया कि मेरा नसीब थोड़ा उल्टा चलता है ऐसे टाइम पे, जब मैं रेनकोट नहीं पहनता हूँ तो बारिश बहुत ज़ोर से आती है, जब पहनता हूँ तो बारिश पूरी रुक जाती है। लेकिन आज मैंने रेनकोट नहीं, सिर्फ रेन पैंट पहनी है, तो बूंद बूंद गिर रहे, सिर्फ मतलब 50% बारिश का फोर्स है। चलो ये भी ट्राई कर ही लेते हैं अभी, ये भी क्लियर हो जाएगा। आए हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, हे भगवान, अटक गया अभी, अटक नहीं, मैं निकल सकता हूँ अभी भी। मस्त सी एक ऐसी जगह मिली है फोटो के लिए, इसके लिए यहाँ पे रुका हूँ आपको दिखा दूँगा।
ये रोड से पास होते होते मुझे ये जगह दिखी है एंड देखो क्या सही फोटो आएंगे यहाँ पे। अगर आप लेफ्ट लेंगे तो करजत जा सकते हो, करजत में मोरबे डैम करके भी जगह है, वो भी काफ़ी सुंदर है। सो कभी भी आप जाओगे तो एंड तक जाना, और एंड पे जाके वहाँ पे एक स्टॉल है छोटा सा डैम के बाजू में, वहाँ पे बैठ के मैगी खाओ और सामने व्यू आए हाय है, और लेकिन बारिश में जाना वहाँ पे। सेवन थर्टी फोर है, चार बज रहे हैं भाई, चार बजे तक मैंने अभी तक खोपोली क्रॉस नहीं किया है, 4:35 किलोमीटर हो गए सिर्फ। 2 बजे ऑलमोस्ट मैं निकला था, 2 या कंसीडर कर सकते 2:30 बजे निकला था एंड अभी बज रहे हैं 4, क्या बात है। चलो अभी रुकना नहीं है ज़्यादा। जय भोलेनाथ, यहाँ पे भी जाना है एक बार, मंदिर है अच्छा खासा। बारिश कौन से एरिया में हो रही है यही नहीं समझ में आ रहा है, उधर का रास्ता भी गीला है, इधर का भी थोड़ा पैच गीला है, बीच में सूखा है। बारिश अगर ऐसे जा रही है तो बहुत ही सही हो जाएगा, बारिश ऐसे आ गई तो मुझे फिर से एक मिनट बारिश आ गई। बारिश आ गई मुझे रेन पैंट पहनना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन है तो फ़ोन के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता। पूरा कवर हो गया, पूरा लोनावाला और खंडाला पूरा कवर हो गया, भयानक जोरात पाऊस येतो आहे, आता काहीतरी सोय लावा भी लागणार आहे। अडॅप्टर नहीं जाना चाहिए बस। देखो आखिर में पेड़ ही काम में आते हैं, बारिश हो धूप हो। बारिश हो और भुट्टा ना खाए ऐसे तो हो नहीं सकता है, इसके लिए अभी लोनावाला में रुका हूँ मैं, लोनावाला नहीं खंडाला में रुका हूँ। यहाँ पे व्यू देखो आप, और एक चीज बताता हूँ, एक रील आपने देखी होगी लोनावाला के पास के ट्रेन जो जाती है, तो ये पॉइंट जब मैं कार से आया था पुणे साइड से, तब गलती से मैंने लोनावाला में एंटर किया और मुझे कम से कम 45 मिनट्स लगे थे लोनावाला पूरा क्रॉस करने के लिए। अभी बाइक है इसके लिए कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो कार में आते हैं ना भाई, बहुत टाइम पास हो जाता है। बंद पड़ ली अब बसा, धक्का दे दो, पेट्रोल पंप आएगा, बस पेट्रोल आएगा आएगा, बस धक्का दियो। बर बर मेरे साथ ज़िंदगी भी बड़ा अजीब खेल खेलती है, जो मांगता हूँ वो कभी नहीं मिलता है, और जो नहीं मांगता हूँ जैसे कि परेशानियाँ, वो पहले हाजिर हो जाती है। हर राइड में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं, उसी तरह इस राइड में भी मैंने प्रॉब्लम फेस किया। हो गया जो नहीं होना था, ये प्रॉब्लम कुछ दिनों पहले भी आया था, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन क्यों ये हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरा फ्रिज फिर से उड़ गया है या क्या ख़राब हो गया मालूम नहीं, पूरा जो भी पूरा लाइटिंग वगैरह बंद है, गाड़ी बंद हो गई है। सेम मेरे साथ कसारा घाट में हुआ था, उस टाइम पे मालूम नहीं था, ये देखो लाइट आ रहा है लेकिन चालू नहीं हो रही है गाड़ी, ये देखो ब्लिंक हो रहा है, ये देखो।
और इसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि GoPro हैंग हो गया, इसके लिए मैं साइड में रुका था एंड गाड़ी बंद की, जब सेल्फ स्टार्ट किया गाड़ी पूरी बंद हो गई। क्या क्या वही बोला, आज कुछ तो मिसिंग है एडवेंचर में। चलो खुद ही रिपेयर करना पड़ेगा अभी इसको। 10 नंबर का पाना लगता है, जिनके पास डोमिनार है और ये प्रॉब्लम अगर आएगा तो बता देता हूँ कि 30 नंबर का आपके बाइक में फ्यूज रहेगा, तो वो आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, कैसा है आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी ये मेरे साथ हादसा हो गया है पहले, इसके लिए अभी मेरे को कोई डर नहीं लगता है कि कहीं पर भी गाड़ी बंद पड़ी ना तो मैं ये खुद कर सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास छोटा पकड़ रहे जिससे आप वो फ्यूज बाहर निकाल सकें, तो जनरली आप बोल सकते इजीली बाहर नहीं आ सकते। ओके खुल कैसे जाता है यार? तो देखो ये जो है ना हरा, तो 30 नंबर का फ्यूज वही रहता है, ओरिजिनल वाला ये है कंपनी ने किया हुआ, और मैंने ये बाहर से डाला था क्योंकि पहले वाला ख़राब हो गया था ओरिजिनल। खुल जा, थोड़ा तो चालू हो गए। और जब बाइक चालू हुई, राइड कंटिन्यू की और घर पे आने के बाद जब वीडियो देखे तो उसमें आगे के कोई भी क्लिप्स में ऑडियो ही नहीं था, फिर से एडाप्टर का इश्यू आ गया था। इस ट्रैफिक को डॉज करते करते मैं पहुंचा देहू रोड, और जैसे ही पुणे की तरफ टर्न लिया ये सुंदर सा नज़ारा मुझे दिखा, और यहीं पर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और उसी ब्रेक में ये टाइम लैप्स मैंने होने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो ये खूबसूरत सा नज़ारा मुझे आकाश में दिख रहा था, और इसी के साथ मैं सोच रहा था कि पुणे के आगे भी थोड़ी और बाइक राइड कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन मुझे निकलना था दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए, जो आपको अगले वीडियो में दिखने वाला है, इसके लिए मुझे पुणे तक ही रुकना पड़ा। सो ये वीडियो यहीं पर रोकता हूँ मैं, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो जिसमें मैं एक ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पर आपको भी विजिट करना चाहिए। So stay tuned for that video. मिलता हूँ आपको उस वीडियो में। Till then, be positive and keep going.